नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2011 से 2019 तक के ऑल ईवीएस क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी टेट के, जो कि 2011 से 2019 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे और किस तरीके से उनको एग्जाम्स में पूछा गया था। स्वागत है आपका डिजिटल ई गुरु जी में और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि यूपी टेट 2011 में पूछा गया था पर्यावरण का। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की एक प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम, जनसंख्या का रख रखाव ये प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन है आपके क्रोकोड संरक्षण, स्थस्थाने संरक्षण, अपस्थाने संरक्षण या परिधीय संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स अपस्थाने संरक्षण। अपस्थाने संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र ये प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम, जनसंख्या का रख रखाव ये प्रति प्राप्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था ईवीएस में। सामुद्रिक कच्छपों को जीवन जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे करीब 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो ऑप्शन है आपके केनेप्स रिडले, लागर हेड, ऑलिव रिडले, फ्लैट बैक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स सी। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सिया टर्टल में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडले प्रजाति की होती है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2011 में विश्व ऊष्मायण के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो इसके ऑप्शन है वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गैस या रसोई गैस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए वाहनों से निकली गैस। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व ऊष्मायन जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस, N2O, CH4 आदि गैस उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्याएं पैदा करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या अयस्क को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये अयस्क है, यहाँ पे अवस्क लिख दिया गया है अयस्क। इसका राइट आंसर होगा अयस्क। अयस्क जिसको ओरे बोलते हैं वो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातु की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका यूपीटेट 2011 में पूछा गया था। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। वे क्या अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रिएक्टर पैमाने में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना जो है जल स्तर वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगी है, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2011 में पूछा गया था, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है
वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वृक्षों द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा ही कम किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि वनीकरण करके, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5 जून। विश्व पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओजोन परत, ओजोन स्तर जो होता है आपका। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत जो है सूर्य के हानिकारक परावैगनी किरणों से हमें सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है आपका, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधे जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पेड़ पौधे जंतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्रस्तर। प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव ये एक जैविक कारक होते हैं। ये जैविक कारक होते हैं और ये अजैव कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पड़े पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। इसका राइट आंसर होगा आपका स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण के मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी होती है, गिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सीएनजी जो है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग वाहनों में होता है, पेट्रोल की जगह पे सीएनजी कारें भी चलती हैं और इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन। कौन कौन से हैं? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारक है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती है तथा सूर्य से आने वाली किरणों को दोबारा से वापस नहीं जाने देते। इससे क्या होता है कि सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक ऊष्मान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा करती है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो कि है लगभग 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 3/4। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम का, कार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, किसका होता है?
तो इसका राइट आंसर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण के ये सारे ही उदाहरण है, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस भी वायु प्रदूषण करती है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस जो होती है, तो ये सभी जो है आपके वायु प्रदूषण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि यूपी टेट 2011 में पूछा गया था, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को, या चमड़े के थैले को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्लास्टिक के थैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि 2011 में पूछा गया था, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना प्रतिशत है, हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 21%। वायुमंडल में बहुत सी गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन करीब 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, कार्बन डाई जो कि CO2 लगभग आपका 0.03% है, तथा जो बाकी बची हुई आपकी गैसें हैं उनका परसेंटेज है आपका 0.97। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परम पैमाना तापमान कौन सा है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, या ये सभी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केल्विन। परम ताप क्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप जो कि टी से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है? टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरसों द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसीबल में, या डेसीबल? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेसीबल। ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है उसको डेसीबल में मापा जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसीबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, PETA, PETA, या UN? तो इसका राइट आंसर होगा आपका UN। UN अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, WHO अंतरराष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में कराती है, WHO। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका UN। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, या ये सभी होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जल प्रदूषण। कीटनाशक जो दवाई आती हैं उनको अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे जल प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, या प्लास्टिक? तो नॉर्मल सी बात है, प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो ये थे आपके यूपीटेट 2011 EVS यानी कि पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 2011 में पूछे गए थे, ये 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 2013 के क्वेश्चंस को पर्यावरण के। सो देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं। तो आपको यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी क्लासेज मिलेंगी, इंग्लिश क्लासेज मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको EVS और अदर क्लासेज भी मिलेंगी।